एक ओर जहां किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जाने माने व्यापारी और पीएम के करीबी गौतम अडानी ने पानीपत के गांव नौलथा में करीब 100 एकड़ भूमि खरीदकर गेहूं स्टोरेज बनाने का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। ऐसा कहना है गांव के किसानों का। तस्वीरें पानीपत के गांव नौलथा की हैं, जहां अडानी ग्रुप द्वारा करीब 100 एकड़ भूमि खरीदी गई है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि दलाल ने ग्रामीणों को बताया कि यह जमीन पहले तो कोई सरकारी रेल का कारखाना बनाने के लिए ग्रामीणों से खरीदनी शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यह जमीन तो अडानी ग्रुप द्वारा कुछ प्राइवेट गोदाम बनाने के लिए खरीदी जा रही है। जैसे जैसे किसानों और ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी मिली, ग्रामीणों ने अपनी जमीन बेचना बंद कर दिया। जहां पहले ग्रामीणों ने मात्र 35 लाख रुपए में अपना प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन को बेच दिया, वही अब जमीन 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के भाव से लेने के लिए भी अडानी ग्रुप तैयार बैठा है। किसान अब सचेत हो गए हैं कि उनकी आशंका सच होती दिखाई दे रही है। इस इलाके में इस ग्रुप द्वारा निजी मंडी बनाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। है किस गांव से हो और यहां पर क्या अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है? मैं गांव नौलथा से हूं, ईश्वर सिंह मेरा नाम है, और यहां पर अडानी ग्रुप द्वारा ज़मीन खरीदी गई हमारे गांव से, करीबन 70-80 एकड़ ज़मीन। बाकी ये ज़मीन जो स्टार्टिंग से जब चला है तब इन्होंने बोला था कि भाई यहाँ रेलवे का कारखाना लगेगा, उस बेस पर लोगों डर गए भाई सरकार खरीद रही है, कभी तुम नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती ले लेगी। तो कुछ लोगों ने करीबन 40-50 एकड़ ज़मीन जो ज़मींदारों ने थी शुरू में 35 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से बेच दी। बाद में उन लोगों को पता लगा भी ये तो अडानी ग्रुप खरीद रहा है, कोई पार्टी खरीद रही है, तो उन लोगों ने ज़मीन रोक दी। तो इन्होंने ज़्यादा पैसे का लालच दे के किसी को 70 लाख, किसी को करोड़, किसी को 2 करोड़ दे करके ये ज़मीन सारी करीबन 70-80 एकड़ खरीद ली, और बाकी करीबन 100 एकड़ ज़मीन और इन्होंने खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे को ऐसा लग रहा है भी अगर वो यहाँ पर आएगा और उसका काम चलेगा, क्योंकि उसने लैन की पटड़ियाँ इतनी डाल रखी हैं कि सारे गांव के चुगुर्दे ने बिछा लो, तो मेरे ख्याल में गांव गुआंडेंगे हमारी ज़मीन सारी जाएगी, यहाँ कुछ नहीं रहना। क्या मतलब ये धोखे से खरीदी गई? शुरू में धोखे से खरीदी गई, इन्होंने ये नहीं बताया कि अडानी ग्रुप खरीद रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में जारी है, इन्होंने सरकारी सेक्टर का नाम लिया। अगर प्राइवेट सेक्टर में गांव नौलथा की ज़मीन जाती तो ये अपना गुप्ता है, ये बुलाने में नहीं लगाता फैक्ट्रियाँ, नौलथे में लगाता, वहाँ क्यों जाता बेचारा? उसने बिल्कुल चैलेंज कर रखा भाई 1 करोड़ का कोई भी किला दे दो, और बुलाने की कम से कम 250-300 एकड़ में फैक्ट्रियाँ लगी, बुलाने का भी भगवान की दया से वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, 2-4 साल में सारा फैक्ट्री हो जाएंगी। हमारे गाँव की टाउन प्लानिंग में ज़मीन आती थी, यहाँ से मिट्टी उठाना और ये फैक्ट्रियाँ लगनी डबल रेट था, मिट्टी उठाना बिल्कुल मना है। तो ये तो प्री प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में एक जाती है ज़मीन खरीदता है तो प्री प्लानिंग से खरीदी गई हो, 35 लाख रुपए का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो क्या यहाँ पर कुछ बनाया भी गया अभी, कोई ऑफिस वगैरह या कुछ? अभी इन्होंने लाइन की पटड़ियाँ डाली हैं और चौकीदार अपना छोड़ रखा है, अभी तक कुछ बनाना नहीं है। अभी ये इनके आदमी आए हैं, अभी वो पता नहीं गांव में ही रहते हैं, कोठियां किराए पे ली हैं उन्होंने, गुजरात और आंध्रा के आदमी आए थे, 5-7 आदमी आए थे, वो सर्वे करके गए हैं। अभी वो देखो आगे आगे क्या, मतलब वो डायरेक्ट उन्होंने खरीदी या किसी यहाँ के लोकल नहीं से? यहाँ का एक लोकल है शाहपुर का है प्रेम सिंह, जो यहाँ का वो इनके बीच में है, आप उसको डीलर कहिए या दलाल कहिए कुछ भी कहिए, जैसा भी जो बनता नाम उसका, तो वो है बीच में। लाइन यहाँ पर बिछा दी है? लाइन यहाँ ला के डाली हुई है, रेलवे की लाइन अब पटरियाँ डाल दी, और इन्होंने अभी देखो आगे आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है सर, हमें कुछ ज़मीन खरीदी गई है, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा खरीदी गई, कैसे खरीदी जा रही है? तो रेलवे का जिक्र हुआ था भाई, रेलवे ने रिक्वायर करी है ये जी, तो बाद कुछ टाइम लोगों ने 30-35 लाख रुपये में सेल कर दी, उसके बाद फिर पता लगा अडानी ग्रुप आ गया, तो पता लगने के बाद वही ज़मीन 2 करोड़ 5-7 लाख कैसे बिकी है, तो लोगों ने तो यही सोचा था सरकार ने रिक्वायर करी है तो कोई रेलवे कारखाना वगैरह कुछ ऐसा बनेगा,
उसी को लेकर नहीं सोच रहे थे। अब बाद में पता लगा कैसे ऐसे हो रहा है, अब जमीन में उछाड़ा गया लोगों ने, बाद में पता चला इस बात का, तो सारा सब सरकार की मिली भगत से हो रहा है। जो अडानी ग्रुप का नाम आ रहा है हमें, अडानी ग्रुप ने दे रखा है। क्या कुछ बनाने की तैयारी, कुछ चर्चा सुनी है? पता ही क्या बनेगा क्या नहीं, प्लांट बता रहे हैं, प्लांट लगाएंगे यहाँ पर अडानी ग्रुप का, और भी जमीन एक्वायर करने की सोच रहे हैं वो। तब अब तक उसका लोगों ने पता नहीं था, उस बात का पता चला है तो लोगों में अभी जमीन के भाव नफसना बोल रहे हैं, तो उसका भी कुछ पता नहीं चल पाई क्या होगा। क्या एक तरह से ऐसे तो ये मतलब क्या लगता है, ये धोखा है कि पहले सरकार के नाम से खरीदी गई? सरकार का नाम लेके ही खरीदी गई है ये, लोगों को ये था कि रेलवे कारखाना लगेगा यहाँ पे, रेलवे ने रिक्वायरमेंट करी है किसी के जैसे, तो उन्होंने अपनी जमीन सेल करके वहाँ। रेलवे की कुछ पटरी वगैरह भी यहाँ पर, कुछ लोहे का सामान है, कुछ है साथ में, कुछ लाइन है रेलवे की जो साथ में कुछ हद तक थी, उसके लोगों ने ये सोचा था कि रेलवे का ही बनेगा यहाँ पे कुछ, किसी के मद्देनजर उन्होंने अपनी जमीन सेल कर। क्या नाम है सर आपका? विकास भाई। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।